बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है अगला क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एक सेपरेटिंग मेथड भी है। इट इज़ यूज टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम सॉलिड एंड प्योरीफाई इट। सॉलिड के ऊपर अगर कोई उसके साथ कोई इंप्योरिटीज, अगर हमें उससे अलग करना है, जैसे कि हमें नेचुरली सॉलिड्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल जो हैं उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं जिन्हें सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हमें ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये प्योर सॉलिड को मिक्सचर से अलग कर देगा क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी कि इंप्योरिटीज जो हैं वो निकल जाएंगी और जो रह जाएगा क्रिस्टल हमें, वो प्योर सॉल्ट की फॉर्म में हो या कैसे भी हो, लेकिन वो क्रिस्टल जो होंगे ना वो प्योरेस्ट फॉर्म होंगे। दिस प्रोसेस इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। घरों में जो हमारे नमक आता है वो भी इसी प्रोसेस से होके निकलता है, सॉल्ट को प्योरीफाई किया जाता है सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू।